नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करते हैं। काफ़ी खबरों में बना हुआ है स्टॉक ग्रुप, और शेयर प्राइस है 1591 में 21 फरवरी 2023 को। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स इस स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे थे, तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करेंगे। ग्रुप्स में और भी स्टॉक्स हैं, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में, और फाइनेंशियल नंबर के अनुसार एनालिसिस करेंगे। मार्केट कैप और बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस परफॉर्मेंस, तो इसके अनुसार एनालिसिस करेंगे, और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे। शेयर प्राइस 1592 में है, जो 52 वीक हाई था 4190 का था, 52 वीक लो है 1017 52 वीक लो है, 4190 52 वीक हाई है, और 1592 में स्टॉक प्राइस है। तो बड़ा उतार चढ़ाव रहा है, पिछले साल 2021 और 2022 में ज़बरदस्त तेज़ी रही है स्टॉक में, और 2022 जाते जाते स्टॉक में मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आ रही थी, और उसके बाद जो खबर आई तो स्टॉक गिर गया। पॉइंट इसलिए था, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको जानना चाहिए, और जो पुराने हैं तो अडानी ग्रुप के जो शेयरों में तेज़ी आई थी तो बहुत सारे निवेशकों ने पैसा भी बनाया होगा, और अब गिरावट आई तो पैसा भी खोया होगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात कर रहे हैं, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है और इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है अडानी ग्रुप की। तो सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। देखिए, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, और 31/12/2022 में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 26,612 करोड़ का था, और Q2 में 30/9/2022 के क्वार्टर में 38,175 करोड़ का था, एक साल पहले 18,757 करोड़ का था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ था इनकम रेवेन्यू, और सालाना देखते तो बढ़ कर आया था। और इसका जो टोटल इनकम था अडानी इंटरप्राइजेस का, टोटल इनकम 26,950 करोड़ का था, 26,950 करोड़ का था, और Q2 में 38,441 करोड़ का था, 18,963 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए, जो टोटल इनकम है 26,950 करोड़, 26,950 करोड़ का था, क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम था, और सालाना देखते तो बढ़कर आया था। तो ये टोटल इनकम है, और इसके एक्सपेंसेस को अगर माइनस करके देखें तो प्रॉफिट जो रहा था, एक्सपेंसेस का कॉलम ये दिया था, और टोटल एक्सपेंसेस 26,171 करोड़ का, 26,171 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और टोटल इनकम था 26,950 करोड़ का। और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, तो देखिए अब वो था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 779.65 करोड़ का था, और ये Q2 में 670 करोड़ का था, एक साल पहले माइनस था। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था, देखिए तीसरी तिमाही में जो प्रॉफिट रहा था वो रहा था 739 करोड़, 739.88 करोड़ का था, और प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, और Q2 में था 432 करोड़ का, एक साल पहले 1.80 का था। तो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो अडानी इंटरप्राइजेस का जो अर्निंग पर शेयर है, देखिए वो है 7.21 का है, और Q2 में 4.05 का था, एक साल पहले माइनस था ये। तो अब की बार का जो मुनाफा था बढ़कर आया था, बट रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम था, और सालाना देखते तो बढ़कर आया था 26,950 करोड़ का। मार्केट कैप की बात करते हैं, 1,81,807 करोड़ का मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 236 का, डिविडेंड यील्ड है 0.06 का, और अर्निंग पर शेयर है 18 का। तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 236 का है, 236 का, और स्टॉक प्राइस आज के दिन अगर हम बात करें तो 1591 में है, तो मान के चलिए कि 6 से 7 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है इस वक्त। अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो 3 साल का रिटर्न अभी भी 515% का रिटर्न है, 3 साल का, मात्र 3 साल में अभी भी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 515-516% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया है,
अब 5% का जो स्टॉक प्राइस है 21 फरवरी 2023 तक और एक महीने का माइनस है, 53% माइनस है एक महीने का। तो 3 साल का रिटर्न अभी भी 516% का है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और बुक वैल्यू पर शेयर और जो फाइनेंशियल नंबर थे तीसरी तिमाही में, जो इनकम था, अर्निंग्स थे, तो उसकी बात थी। और अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, जो डेली ट्रेड होता है वो चार्ट है ये। और अडानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर प्राइस था, अगर हम कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले की बात कर रहे हैं, 27/10/2021 को ये स्टॉक प्राइस लगभग 1000 के आसपास था। देखिए ज़बरदस्त तेज़ी रही इसमें, ज़बरदस्त तेज़ी रही और स्टॉक जो है 2415 में था 26/4/2022 को, उसके बाद स्टॉक सीधे से भाग गया ऊपर की तरफ लगभग 4000 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे मुनाफा वसूल लिया, ये फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो 2021 और 2022 में ज़बरदस्त तेज़ी रही और 22 ख़त्म होते होते इसमें देखिए एक तरह से मुनाफा वसूली आ गई। तो कहने का मीन्स, बताने का मीन्स यही कि स्टॉक एक तरह से ओवर वैल्यूड था ये, और 3000 के ऊपर भी कारोबार किया इसने काफ़ी समय, उसके बाद मुनाफा वसूली आई और जो खबर आई अडानी ग्रुप के ऊपर, तो स्टॉक एक तरह से टूट गया, सीधे से 1000 में आ गया। तो बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे होंगे। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो बेयरिश मोड है ये, बेयरिश ट्रेंड है इसका, और उससे पहले ओवरबॉट में था, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। और देखिए इसी साल ये 27/1/2023 को 3300 में था, उससे पहले ही देखिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो कहने का मीन्स ये है कि कोई भी शेयर अगर अच्छा रिटर्न दे रहा हो तो उसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अभी भी देखिए ये निवेशकों को 515% का रिटर्न है, 1500 के आसपास, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बट ये है कि जो ऊपर की तरफ लिए होंगे तो वो एक तरह से ट्रैप होंगे। अब स्टॉक में देखिए एक तरह से दबाव रहेगा, आगे भी स्टॉक में एक तरह से दबाव रहेगा, उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है, खबरों के दम पर चलेगा। टेक्निकली एक तरह से देखिए ये बेयरिश मोड है, जब तक ये 2300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें तेज़ी नहीं आएगी। 2300 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेज़ी आ सकती है, फिर मान के चलिए कि 2500-3000 के आसपास। बट स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो निवेशक जो ट्रैप हुए हैं वो निकलना चाहेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 1000 से 2200 तक आ गया, उसके बाद सीधे से गिर के नीचे की तरफ आए। तो ये अब खबरों के दम पर चलेगा। अगर आप टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरे दिन कोई खबर आती है अच्छी या बुरी तो 5% ऊपर 5% नीचे इस तरह का रह सकता है। तो हमारे अनुसार देखिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप ट्रेड ले भी रहो तो इसमें एक तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आगे टेक्निकली एक तरह से ये 1000 के आसपास आता हुआ नज़र आएगा, अगर अर्निंग्स अच्छे नहीं होंगे तो इसके नीचे भी आएगा। तो दोस्तों ये अडानी इंटरप्राइजेस का जो एनालिसिस है, प्रेजेंट टाइम का जो ग्राफ है, चार्ट है, डेली कैंडल्स उसके अनुसार है, जो फाइनेंशियल नंबर था उसके अनुसार एनालिसिस है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।